नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक नए दिन के साथ हम अपने एक नए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और देखिए, जैसे मेरे हाथ में एक छोटा सा पौधा है, इस पौधे को हम लगाने के लिए लेके जा रहे हैं। एक्चुअली एक बंदर था, बंदर बंदरों का आतंक था इधर, तो कुत्तों ने उस बंदर को मार दिया था, तो बंदर अभी यहीं पर पड़ा है। पहले हम उसको गड्ढे में डालेंगे, उसके बाद वहाँ पर ये पेड़ लगा देंगे। तो चलिए, बने रहिए वीडियो में। तो ये भाई साहब लगे हैं गड्ढा बनाने में, ताकि हम बंदर को इसमें दफना सकें। हमें कम से कम 3 फीट से ज़्यादा गहरा खोदना पड़ेगा, नहीं तो कुत्तों का आतंक रहता है, वो लोग वापस इसको खोल सकते हैं। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। देखिए, हथियारी तोड़ दिया इन्होंने इतने जोर से। खा तो ये गड्ढा बनाने की तैयारी चल रही है दोस्तों हमारी। हप्पी भाई अपने लगे हैं ये गड्ढा खोदने में, और साथ ही वो साइड में कहीं जहाँ पे कुत्ता उसके ऊपर में बंदर मार के उन लोगों ने रखा है। और क्योंकि यार स्मेल आ जाएगी बाद में, और ऐसे ऊपर में घर के पास में अच्छा नहीं है। ये अपना गौशाला है, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, और वहाँ से हम बंदर को लेके आएंगे, यहाँ पे गड्ढे में डाल देंगे और ऊपर से एक पेड़ लगा देंगे। ये देखिए, 2-4 लोग और आ चुके हैं बंदर को खड्डे में डालने के लिए। गांव में यूनिटी रहती है, लोग एक दूसरे के काम में हेल्प हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ये यार किसी का इंडिविजुअल काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आसपास एक तो स्मेल आती है और माहौल ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, गड्ढा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है हमारे, लगभग 3 फीट गहरा हमने खोद दिया इसको। अभी इसके अंदर हम बंदर को दफनाएंगे। चलिए, बंदर को लेके आते हैं। तो यहाँ पे बंदर है, मैं उसको दिखाऊंगा नहीं कैमरे में, लेकिन यहाँ पे मार के यहाँ पे रखा हुआ है कुत्तू ने, और हम यहाँ से लेके जाएंगे। ये खेत है और ये अपना गौशाला है यहाँ पे, तो हम इसके पीछे ही दफनाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर स्मेल भी बहुत गंदी वाली आएगी अगर दफनाएंगे नहीं तो। तो दोस्तों, हमने डाल दिया बंदर को, और थोड़ा सा मिट्टी भी हमने ढक दी, ताकि स्मेल आने लगी थी बंदर से। ऊपर से मिट्टी डाल दी है। अभी हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट नमक डाल देंगे, ताकि वो जल्दी से बॉडी को एकदम गला देगा। तो जितनी से जल्दी नमक की वजह से बॉडी जल्दी गल जाती है, इसलिए नमक डालेंगे थोड़ा। फिर ये सारी मिट्टी से इसको गड्ढे को अच्छे से ढक देंगे हम। तो अभी ये गड्ढा हम भर रहे हैं, ऑलमोस्ट नमक भी हमने डाल दिया था। चलिए दोस्तों, इसको हम भर देते हैं फटाफट। तो गाइस, ये देख सकते हैं हमने इसमें गड्ढा बनाया, गड्ढे के अंदर बंदर को डाला, और ऊपर से भी ये पेड़ लगा दिया है। देखते हैं, हो पाता नहीं हो पाता, कितना बड़ा होगा ये पेड़, देखते हैं। पानी भी डाल दिया हमने ऊपर से। तो यार, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था अपने आसपास में, तो वो सब क्लियर किया आज सुबह ही, नहीं कल रात को शाम के टाइम में बंदर को मारा गया कुत्तों के द्वारा। बंदरों का आतंक कुछ ज़्यादा ही फैल गया था इस एरिया में, बंदर बहुत ज़्यादा आने लग गए थे, तो कुत्तों ने अटैक किया होगा। तो उसके बॉडी को हमने यहाँ पे डिस्पोज किया है यहाँ पे। उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही रोचक वीडियोज के लिए। मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दो, धन्यवाद, जय हिंद।